subscribe our channel for latest updates. सांसद विनोद खन्ना की मौत हो जाने कारण वेहली हुई गुरदासपुर लोक सभा सीट से खड़े हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश खजूरिया के सुरक्षा गार्ड से सवेरे 5 बजे ही फिल्मी खुमारी चढ़ गई। तो उसने पूरे फिल्मी अंदाज विच खजूरिए दे घर के बाहर गोलियां का मीह वरसा दिता। प्रत्यक्षदर्शी मुताबिक वह नशे विच लगता सी। उसने पिस्तौल दे मैगजीन दियां 20 गोलियां खत्म करके ही फायर करने बंद किए। सवेर का समा होने कारण घटना विच कोई जाने नुकसान तो नहीं होया, पर लोगों के घर अते कारां दा काफ़ी नुकसान होया। घटना कारण मुहल्ले विच दहशत फैल गई अते कोई बाहर ना निकलिया। पुलिस ने मौके पर पहुँच के मुलजम नूं हिरासत विच लै लिया। यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके, उनकी गार्ड पे एक जवान लगा हुआ था, उसने कुछ फायर कर दिया है आसपास, तो उस संबंध में इंसिडेंट हुआ है। पुलिस ने पकड़े, कुछ कारणों का पता चला? हम अभी इसका उनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं कि किन कारणों कारण हुआ है, बट प्रिलिमिनरी जो हमारी जांच है उसमें लग रहा है कि जो जवान डिलिंक्वेंसी का मैटर है ये जवान के। हम अभी वेरीफाई कर रहे हैं कितने राउंड जिनको इशू हुए थे, कितने राउंड जो है वो प्रेजेंट है, कितने बजे, ये सुबह 4:30-5 बजे के आसपास। पर प्रत्यक्षदर्शियों मुताबिक वह नशे विच लगदा सी। एक पुलिस मुलाजम का इंज अपने आप ते काबू गुआ देना विभाग की कारगुजारी ते सवाल खड़े करदा है। सानू लग्या भी नॉर्मली इत्थे काम चलदा रहिंदा, शटरिंग कोई ला रहा उहदी आवाज़ आ रही है, तो मैं घूम के पिछे देख के वापस घर चला गया। फिर 5 बजे नाल दे मुंडे का फोन आया, उन्हें कहा जी कोई बाहर सरदार अंकल ना वो फायरिंग कर रहे हैं। फिर असी अंदर बैठे रहे, फिर फोन ते सारे नाल असी रबता कायम करके सारे नूं दसता भी बाहर कोई ना निकले। तो नॉर्मली लोग 4-6 बजे वॉकिंग करने लिए निकलते हैं, लोगों को असी जागरूक करता कि बाहर ना निकलो, कोई बंदा बाहर फायरिंग कर रहा। बाद पता लग्या कि कोई पुलिस कमांडो सी जिहड़ा फायरिंग कर रहा सी। उहदा कोई कारण पता नहीं लग्या, उन्हें गिरफ्तार करके लै गए ने। प्रशासन कारवाई कर रहा, जो भी तथ्य सामने आने उसके आधार से कारवाई की जाएगी। महकमे अपना इंक्वायरी करे, जिदा सीनियर लीडर ने कहा अगर कुछ होगा तो फिर नैसेसरी एक्शन लिया जाएगा। पठानकोट तो गुरदेव जोहल दे नाल गुरदासपुर तो अवतार सिंह दी रिपोर्ट, चैनल पंजाब न्यूज़।